डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के लोहिया नगर में हुए विस्फोट में बिहार के 5 गरीब लोग मारे गए, लेकिन उनके परिजनों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज सुबह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने 4 शव की शिनाख्त कर ली, जबकि 5वें की पहचान अभी बाकी है। परिजन बेसुध हैं, लेकिन दोपहर बाद तक भी कोई प्रशासनिक अफसर उनके सुध लेने नहीं पहुंचा था। firstbite.tv से बातचीत में इन परिजनों ने आज खुलासा किया कि गौरव गुप्ता द्वारा सभी को वहां जबरन रोक कर रखा गया था। 15 दिन पहले ही रूपन शाह ने अपनी पत्नी को बताया था कि उन्हें गुलाल अबीर रंग बनाने के नाम पर यहां गौरव गुप्ता द्वारा लाया गया था, लेकिन यहां पटाखे बनाने का कार्य लिया जा रहा था। इस पर अक्सर होने वाली इस तरह की घटनाओं की आशंका को देखते हुए रूपन की पत्नी ने उन्हें तुरंत ही वहां से हटने को बोला था, लेकिन बाहर बिल्डिंग पर ताले पड़े थे। नतीजा सामने है, 5 बेकसूर लोग विस्फोट की आवाज के बीच हमेशा के लिए शांत हो गए। गौरव गुप्ता ने कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बिल्डिंग स्वामी संजय गुप्ता व गौरव गुप्ता के सफेद कॉलर तक पुलिस के लंबे हाथ पहुंच जाएंगे। इतना सब है, लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी पटाखे व उससे हुए विस्फोट का कोई जिक्र नहीं किया है। अलबत्ता मौके से जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी उसे पानी डालकर जमीन में दफन कर दिया गया। दरअसल मंगलवार को लोहिया नगर में एक के बाद एक 2 जबरदस्त विस्फोट हुए थे। पहले विस्फोट की चपेट में कुल 10 लोग आ गए थे, जिनमें से 4 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 1 की मौत उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई। अभी 5 लोगों का मेडिकल कॉलेज मेरठ में इलाज चल रहा है। एक आधार कार्ड के आधार पर पुलिस द्वारा सूचित किए जाने पर आज सुबह परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर 4 मृतकों की शिनाख्त कर दी। इनमें रूपन शाह, प्रयाग शाह, चंदन व सुनील शामिल हैं। ये सभी कोइल भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। फर्स्ट बाइट टीवी की रिपोर्टर जिया ने कैमरामैन अर्जुन त्यागी संग पीड़ित लोगों से बात की। पहले वह देखिए, बिहार आरा जिला से आए हैं। अच्छा, मेरा गांव जैतपुर पड़ेगा। अच्छा, और ये कोइल गांव का रहने वाले हैं। चर पोखरी पोस्ट और पीएस दोनों है, गांव कोइल पड़ता है। इनका बेटा को यहां बुलाया गया, एक रूपम शाह जिनका डेथ हो चुका है। अच्छा, बुलाया गया कि यहां काम है और बेटे के साथ ही उनकी डेथ हुई है। हाँ, अच्छा, इनको बुलाया गया बेटे को कि यहां अबीर का फैक्ट्री में काम है। अच्छा, थोड़ा बड़ा अबीर भरना है, पैकेज के लिए बुलाया गया यहां, और यहां बुलाकर उनको बारूद का जो फैक्ट्री था। आपको उनको किसी और चीज के नाम से बुलाया गया? हाँ, कि कोई और काम था? हाँ, ऐसा कहकर। हाँ, अच्छा, और वो बारूद का फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। अच्छा, हम लोग से एक बार बात हुआ 15 दिन पहले, तो हम भी उनको बोले कि ऐसा काम मत करो, क्योंकि आए दिन इस तरह से। उन्होंने आपको बताया था कि ऐसा कोई काम? वाइफ को बताए थे। अच्छा, और मेरे भाभी को। अच्छा, मैं उनका साड़ू लगूंगा। अच्छा, तो बताया कि ऐसा ऐसा काम है, तो मैं भाभी को तुरंत बोला कि नहीं, ऐसा काम से बुलवा लो उनको, क्योंकि आए दिन ऐसा घटना होते रहता है और जख्म भरा ही काम है। वो बोले कि ठीक है, हम दुर्गा पूजा से 2-3 दिन पहले चले आएंगे। शायद उनका कल परसों टिकट भी था। अच्छा, और घुल मिलकर बहलाकर उस बच्चे को, या जो भी उसमें 14 बरस का भी एक बच्चा है। अच्छा, जिसका नाम चंदन बताया जा रहा है। अच्छा, वो जितौरा का रहने वाला, उनके माँ भी आई है। अच्छा, और मैडम सबसे कठोर बात ये भी है, प्रशासन को 2 किलोमीटर के दायरे में इसकी भनक तक भी नहीं है, और 3-4 मंजिले जो इतनी तरह से हम गए थे वहां देखे कि ऐसा ग्रस्त हुआ बिल्डिंग जैसा कि युद्ध जैसे आईडीएक्स से भरा हुआ वो रूम हो। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो चुका है? मेरा भाभी बताई। अच्छा, हम आरा काम करने के लिए गए थे।
तो भाभी बताई कि जल्दी तुम घर चले आओ। मैंने क्यों बोला, आओ ना काम है। वहाँ घर आए तो बताया कि विस्फोट हो गया। हालांकि एक बहुत आर साफ कर दे कि रूपम शाह का लड़की यहाँ रहती है। चाचा थे आपके? अच्छा, तो आपको पता था वो यहाँ पर ये काम करते हैं? हाँ, पता था कि यहीं पर काम कर रहे हैं, और ये नहीं पता था कि जिसे कौन सा काम कर रहे हैं। हमको उनकी जो बताई थी कि जिसे बारूद का वहाँ पर काम चल रहा था। अच्छा, बताया था कुछ कि जिसे कुछ दूसरा काम हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि वहाँ साबुन जिसे की बारूद रोड का काम चल रहा है, वहाँ से बुला कर जो रूपम शाह है उनके द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है ना, यहाँ पर बुला कर 2 नंबर काम करवाया जा रहा था। अच्छा, तो आपको पता चलने पे आपने मना किया है ना? हाँ, मना की, चाची मना की जी जी। अच्छा, यहाँ से आ जाइए। अच्छा, तो लोग बोले कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं जाने दे रहा था। नाम क्या था उनका मरने वालों का? सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर ससुर था। ससुर थे। अच्छा, तो आपको पता था वो यहाँ पर काम करते हैं? क्या काम करते हैं? पता था लेकिन पहले नहीं पता था, अब पता था। अच्छा, पता था वो ऐसा कुछ काम करते हैं, पटाखे नहीं, वो बोलता है था कि रंग अबीर के काम कर रहा था। अच्छा, काम है और इसलिए वो आ गए था। अच्छा, यहाँ पर नहीं जानता कि बारूद के काम है, बारूद के काम होते तो वो नहीं आता। यहाँ पर जो उसका जानकारी हो जाता तो वो थोड़ी आते, मेरे को जानकारी हो जाएगी तो मैं थोड़ी यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आया था तो पता चला कि बारूद के काम है, काम कर रहा था। वो बोला था कि मैं जाऊंगी, तो उसने बोला, हम उसका माँ ओनर का नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने बोला था कि जहाँ काम करते थे उनके ओनर का नाम नहीं पता था उनको? ना, हमको नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? ना, हमको नहीं पता। सो बोलता है कि हम जाएंगे घर, तो बोलता है कि नहीं आप जाओगी तो चोरी के इल्जाम लगा दूंगी कि तुम्हारे हमारे एक पेटी माल चोरी हो गया, इसलिए डर कर रह गया। अच्छा, उनको डरा के रखा? हाँ, डरा कर रखा गया, इसलिए यही बात। वाले आपके कौन थे? चंदन है। कौन लगते थे आपके? हमारा लड़का है। अच्छा, हमारा लड़का है। अच्छा, हाँ, तो आपको कैसे पता चला क्या ऐसा सब कुछ? हमारा फोन आया तब हिस्ट्री आ गया, 5 दिन है तब फोन गया, तब हम भी पता चला था, हम आ गया। क्या करते थे वो यहाँ, पता था आपको? हाँ, बारूद के बम बनते हैं, ये पता था आपको? हमको पता अभी नहीं है, लेकिन जब डेंजर आए तब बोलता है। लेकिन हमारा लड़का एक दिन 10 दिन पहले बोला हमसे कि हम जाएगा पापा, ये बहुत डेंजर काम है, लब्बी बाबू दाब दिया के रख लिया, बोलता है कि नहीं अभी नहीं जाएगा, तुमको एग्जाम में चोरी के एग्जाम में लगा देगा। तो हमारा लड़का डर के मारे हमसे कुछ नहीं बोला, अपना नमा पापा से बोला, नहीं बाबा से बोला, ना अपने आजी से बोला, कोई से नहीं बोला। जब जाकर तो उनको डरा के रखा हुआ था। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, रूम में अंदर ताला बंद करके 3 ताला पे काम होता है। अच्छा, हाँ, ताले में बंद करके रखा जाता है, ताले में रखा देता है। अच्छा, डर के मारे हमारा लड़का किसी से नहीं बोला। अब बोला है लबी बाबू की हम दिवाली बाद तुम लोग बोनस दे देगा, तुम चल जाने का। एक लड़के से बोला है, 4 आदमी से नहीं बोला है। लड़का हमारा चुप हो गया, काम करता है, बोला चलो दिवाली अब आ गया है, फिर दिवाली बाद जाएगा तो हम नहीं आएगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अब यहाँ पर? है? उस टाइम आप यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसका समस्या हल कीजिए, हमारा 2 बच्चे है, हमारा पीछे के है, कैसे कहिए क्या कह गया, उसके लबी बाबू के बुलाइए, तब उन्हें कुछ होगा, क्यों भाग गया, तू इधर आए वो बात करो। तब बोलता है छूटा कि साबुन के काम होता है, साबुन के काम नहीं है, गलत है। फैक्ट्री का ओनर है गौरव गुप्ता, वो जो लड़की है सुरूपम राय, सुरूपम शाह जो लड़की है उसका मालिक, उनका वो रिलेशन है, उनसे उनका रिलेशन वो भंजा है। हादसे में मरने वाले लोगों के घर वालों से, परिजनों से हमने जाना कि हादसा कैसे हुआ, कैसे उनको डरा धमका कर इस फैक्ट्री में रखा जा रहा था और जबरदस्ती ये काम करने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं जिया। आज संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने आलोक रस्तोगी के परिजनों संघ एसपी सिटी व लोहिया नगर थाने में मुलाकात कर कहा कि इस कांड के दोषी बचने नहीं चाहिए, लेकिन जिनके इसमें संलिप्तता नहीं है उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बकौल अजय गुप्ता, पुलिस ने उन्हें बताया कि आलोक रस्तोगी के इस कांड में फिलहाल संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, यह बात और है कि अभी जाँच जारी है। आपको बता दें कि आलोक रस्तोगी के इस भवन में साबुन के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर और आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।